हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग लो। आज की क्लास में फ्रेंड्स, मैं ब्रश टूल के बारे में बताने जा रही हूँ कि ब्रश टूल का क्या कॉन्सेप्ट होता है फोटोशॉप में, यानी किसी भी इमेज में ब्रश टूल की हेल्प से कैसे कलर को सेट किया जाता है, ब्रश टूल की साइज को कैसे सेट किया जाता है, उसके हार्डनेस लेवल को कैसे सेट किया जाता है, उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। तो आज की क्लास में हम लोग ब्रश टूल के मैथड को समझेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज मैंने एक ये पिक्चर ले रखा है। अब इस पिक्चर में मुझे कलर को इस पिक्चर के चेंज करना है, ठीक है? तो उसके लिए आप यहाँ टूल पैनल में जाते हैं, और टूल पैनल में जाने के बाद आप ब्रश टूल को पिक करते हैं। इसका शॉर्टकट बी होता है, ओके? पिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि ब्रश टूल से रिलेटेड ऑप्शंस हैं, वो स्क्रीन पे ऑप्शन बार मेन्यू में डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है? लाइक मोड, ओके, ओपेसिटी, साइज, हार्डनेस, ठीक है? तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये ब्रश के अदर अदर साइजेस दिए हुए हैं, उसके हार्डनेस लेवल और मोड लेवल को यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है, और भी ब्रश टूल यहाँ पर शो कर रहे हैं, ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट है। और आप यहाँ देख रहे होंगे उसके नीचे डायलॉग बॉक्स में जनरल ब्रशेस, ड्राई मीडिया ब्रशेस, वेट मीडिया ब्रशेस, स्पेशल इफेक्ट ब्रशेस। ये जनरल ब्रशेस क्या है? जनरल ब्रशेस में भी और सारे ब्रशेस के ऑप्शंस हैं, ठीक है? इसके अंदर भी बहुत सारे ब्रश टूल के बारे में दिए हुए हैं, तो जिसको हम लोग आगे के क्लासेस में समझेंगे और सारे ब्रश टूल के बारे में। तो आज समझते हैं कि हम लोग इसके हार्डनेस और साइज को कैसे सेट करते हैं, और कोई भी ब्रश टूल को पिक करने के बाद उसके जो हार्डनेस होती है वो कैसी दी होती है, और इसके संग वर्क कैसे करते हैं, ठीक है? तो सपोज मैंने इस ब्रश टूल को पिक किया। यहाँ से पिक करने के बाद इसका जो हार्डनेस लेवल है आप देख रहे हैं 100 हो गया है, और मोड क्या है? नॉर्मल। और साइज कितनी है? 114 पिक्सल, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ से कलर को चेंज कर लेते हैं। सपोज व्हाइट कलर चेंज कर लेते हैं। तो देख रहे हैं ये जब ब्रश टूल मैंने लिया तो इसके हार्डनेस लेवल कितना एक्यूरेट फॉर्म में हो ब्रश टूल वर्क कर रहा है, ठीक है? इसका कलर देखिए एकदम एग्जैक्ट शो कर रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ से अदर टूल लेती हूँ, अदर ब्रश टूल, सपोज मैं ये लेती हूँ, तो इसके हार्डनेस लेवल क्या है? 34 है। जो भी आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे उसका वो कन्वर्ट हो जाएगा उस फॉर्म में। इसका हार्डनेस लेवल चेंज हो जाएगा, साइज चेंज हो जाएगा, एंड देन मोड चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो जब मैं इस ब्रश टूल को पिक करती हूँ तो यहाँ पे देख रहे हैं मोड चेंज हो गया है, कलर हो गया है। कलर को ना रख के कलर के भी ऑप्शंस में आता है, कलर के ऑप्शंस को मैं आगे बताऊंगी, अभी नॉर्मल करके देखते हैं इस मोड को। और यहाँ से इसके साइज को और कम कर लेते हैं, ब्रश की साइज को, ओके, और हार्डनेस लेवल 34 एज इट इज रखते हैं, ठीक। अब उसके बाद इसको ड्रॉ करते हैं तो देख रहे हैं साइड में जो है ट्रांसपेरेंसी शो कर रहा है। जितना हार्डनेस आप लो रखते हैं उससे क्या होता है कि जो पिक्चर आप लिए रहते हैं उस पिक्चर की जो कलर होती है वो कलर मिक्स हो जाती है उस कलर में, मतलब मर्ज कर देता है वो, ओके? अदर टूल लेके समझाती हूँ। सपोज मैं ये लेती हूँ, इस ब्रश टूल को पिक करती हूँ, इस ब्रश टूल को पिक की, तो यहाँ पे हार्डनेस लेवल 43 इसका है, साइज क्या है? 23, और मोड नॉर्मल है, ठीक है? इस ब्रश टूल की जो हार्डनेस लेवल है वो कम शो कर रही है। क्यों शो कर रही है? क्योंकि इसका हार्डनेस लेवल इंक्रीज नहीं किया हुआ, डिक्रीज हो गया है, 43 हार्डनेस लेवल है, इसलिए इसका कम शो कर रहा है हार्डनेस लेवल, ओके? तो अब चलिए इस पिक्चर को सेलेक्ट करके दिखाते हैं। सेलेक्ट करने से पहले आप जूम टूल पे क्लिक करते हैं, जूम टूल से इस पिक्चर को और क्लोज कर लेते हैं, ठीक है? सपोज इसको और जूम कर लिए। जूम टूल का क्या प्रोसेस होता है? अल्ट बटन और माउस के रोलर से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से जूम टूल को लेके पिक कर सकते हैं, ओके? तो सपोज इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? सेलेक्ट करने के लिए आपको मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि क्विक सेलेक्शन टूल को पिक करते हैं सेलेक्शन के लिए, ओके? इससे क्या होता है? फास्ट सेलेक्शन होता है। तो यहाँ से क्विक सेलेक्शन टूल का शॉर्टकट क्या होता है? W होता है, ओके? अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को का अगर आपको कलर चेंज करना है या किसी भी ऑब्जेक्ट को एडिट करना है, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक सेलेक्शन आना चाहिए कि सेलेक्शन के प्रोसेस क्या होते हैं और किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया जाता है। विदाउट सेलेक्ट किए तो आप किसी भी चीज़ पे वर्क कर नहीं सकते हैं,
तो जितना आप शार्पली वे में सिलेक्शन करते हैं उतना ही अच्छे तरीके से वर्क होता है उस पे। ओके, ये देख रहे हैं कि ये बाउंड्री को टच कर जा रहा है, जिस एरिया में हमको सिलेक्शन चाहिए वहां नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आपको सब्सट्रैक्ट टूल को यूज करना होगा। सब्सट्रैक्ट टूल के हेल्प से आप स्लोली स्लोली जिस भी जगह पे आप सिलेक्शन चाहते हैं वहां सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, तो सिलेक्शन सही होना चाहिए आपका। ठीक है, अब जैसे कि ये जहां सिलेक्शन चाहिए वो बाउंड्री पे सिलेक्शन सही परफेक्टली नहीं हो पाया है। ठीक है, तो उसके लिए आप और जूम कर लेते हैं अपने इमेज को अल्ट बटन के थ्रू, अल्ट और माउस के रोलर बटन के थ्रू। माइनस का देख रहे हैं सिंबल आ रहा है या प्लस का, जूम करेंगे जूम इन जूम आउट कर सकते हैं उससे। ओके, देख रहे हैं किस तरह से हो रहा है। इसको स्लोली स्लोली आप सिलेक्शन कर लीजिए। ठीक है, तो देख रहे हैं कितने फाइन तरीके से सिलेक्शन हुआ है। सिलेक्शन ऐसा करिए जहां पे आप कोई कलर फिल करते हैं तो वो जो सिलेक्शन बाउंड्री है उस बाउंड्री में ही रहे। ठीक है, वो सिलेक्शन बाउंड्री के बाहर ना जाए आपका कलर। ओके, सिलेक्शन कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब आप करते हैं तो ये बहुत ही बेनिफिट इसीलिए होता है कि आप जिस एरिया में सिलेक्शन किए हैं उतने ही एक्यूरेट एरिया पे ही कलर फिल होता है। ठीक है, तो देख रहे हैं ये मैंने सिलेक्शन कर लिया है इस फ्लावर पे। अब इसको वापस से जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, ब्रश टूल पे जाते हैं। ब्रश टूल पे जाने के बाद अब यहाँ से जो मैंने अभी कलर का नाम लिया हुआ था वहां पे मोड में, तो कलर को यहाँ यूज करते हैं। ठीक है, और के मोड होते हैं अलग अलग, तो उसको मैं आगे की क्लास में डिस्कस करूंगी। तो अभी हम कलर मोड को समझ लेते हैं। कलर पे क्लिक करते हैं और यहाँ से कोई जो भी कलर आप इस फ्लावर के अंदर फिल करना चाहते हैं वो अपने अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं। आप चाहे तो ब्रश की साइज बढ़ा सकते हैं। अगर ब्रश की साइज आप जितना ज्यादा बड़ा रखेंगे उतना ही कलर फिल करने में आसानी होगी। ओके, ओके करते हैं यहाँ से। इसको फिल कर लेते हैं। ये थोड़ा लाइट शेड हो गया है, इससे डार्क आप चाहते हैं तो हार्डनेस बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब चाहते हैं इससे थोड़ा डार्क हो तो यहां से आप इसके हार्डनेस को इंक्रीज कर लेते हैं और देन करते हैं। ठीक है, या आप कोई और कलर भी चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप उस कलर को फिर पिक्चर को ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से वापस कलर मोड में जाते हैं और यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। सपोज ये कलर करना है तो इस कलर को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी कलर आप यहाँ से जो भी कलर आप लेना चाहते हैं वो कलर आप लेके चेंज कर सकते हैं उस कलर को। ओके, तो ये था एक इमेज पे ये इस तरह से कलर को चेंज किया जाता है। अब मैं एक अदर इमेज को लेके यहाँ पे समझाती हूँ। जैसे सपोज मुझे इस पे चेंजेस चाहिए। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये बर्ड है, इस बर्ड में मुझे चेंजेस चाहिए। या तो इसके टेल में चेंजेस कर दूं, या फिर इसके जो फीदर है उसमें चेंजेस कर सकती हूँ, या जिस ब्रांच पे ये बैठा है उस पे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस से आप कलर मोड में जाते हैं। कलर मोड में जाने के बाद आप यहाँ से इसके हार्डनेस लेवल को 100% भी रख सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं। 28 सपोज मैं हार्डनेस लेवल को रखती हूँ और साइज ये करती हूँ। ठीक है, साइज 80 पिक्सल रखती हूँ। ओके, अब सपोज मुझे इसके इसके जो टेल है उसको चेंज करना है, तो यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल पे जाने के बाद इसके टेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, जूम बटन के थ्रू पहले इस पिक्चर को और जूम करते हैं। जूम इन करने के बाद बहुत ही स्लोली और शार्पली वे में इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये बाउंड्री में सेट कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट टूल की हेल्प से। सेलेक्शन आपका सही होना चाहिए, बस सेलेक्शन सही होगा देन आप सही से कलर फिल कर पाएंगे उतने एरिया में। ओके, इसको और जूम कर लेते हैं।
यहाँ से ब्रश बड़ी हो गई है तो ब्रश को छोटा कर लीजिए, ठीक है, और स्मॉल करके यहाँ पे, ओके, अब इसको जूम आउट करके इसमें कलर फिल करते हैं। तो कलर कोई भी कलर आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। पेंट पे जाते हैं, मोड चेंज करते हैं, कलर लेते हैं। कलर लेने के बाद इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, हार्डनेस इंक्रीज कर देते हैं हल्का, ठीक है। अब ओके करते हैं, ओके करते हैं और यहाँ से कोई भी कलर पिक कर लेते हैं। पिक कर लिए, सपोज ये कलर पिक कर लिए, रेड कलर, इसको यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो देख रहे हैं इसके कलर को चेंज। अब यही चीज आप इसके हार्डनेस लेवल को और कम कर देते हैं और यहाँ से अदर कलर भी ले सकते हैं। मान लीजिए ग्रीन लेना हो, ग्रीन से और डार्क लेना हो, इस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आपको कलर से सेट करना हो तो आप यहाँ से ओके करके, ओके, तो आप यहाँ से कोई भी कलर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब सपोज इसका जो चिन्ह है उसमें कलर चेंज करना है तो सेम वही प्रोसेस होता है। यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल लेते हैं, पिक्चर को जूम करके इसको सही से सिलेक्शन कर लेते हैं, ओके। सही से सिलेक्शन करने के बाद आप इसको, जहां सिलेक्शन नहीं हुआ है वो पिक्चर को और जूम करके इसको और भी बेहतर तरीके से सेलेक्ट कर लेते हैं उस पार्ट को, ठीक है। और उसके बाद आप इसमें इसको जूम आउट करते हैं और जूम आउट करने के बाद कोई भी आप इसमें कलर अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जो भी कलर आप चाहते हैं वो कलर आप कलर ऑप्शंस में जाते हैं। और यहां से चेंज कर सकते हैं उस कलर को। कलर भी ऐसा चेंज करिए जो कि आपके पिक्चर के अकॉर्डिंग वो सेट हो जाए, ओके। वापस से पेंट में जाते हैं, कलर में जाते हैं और यहाँ पे इसके हार्डनेस साइज को कम कर लेते हैं क्योंकि सिलेक्शन की जो एरिया है वो स्मॉल है, इसलिए पेंट ब्रश जो हम लेते हैं उस ब्रश को भी स्मॉल रखना चाहिए, ठीक। इसके हार्डनेस लेवल को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं और देन यहाँ से कलर पिक कर लेते हैं। सपोज मुझे येलो कलर लेना है तो येलो कलर आप यहाँ पे भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब वापस से यहाँ सिलेक्शन में आते हैं और यहाँ से जो भी पोर्शन आपने सेलेक्ट कर रखा है उसको डीसेलेक्ट कर लेते हैं, या तो यहाँ कमांड से कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल डी से, यहाँ शॉर्टकट इसका होता है कंट्रोल डी डी सेलेक्ट का, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ओके। आप लोगों ने आज की क्लास में ये जाना कि फोटोशॉप में कैसे किस पेंट ब्रश का यूज किया जाता है किसी भी इमेज के कलर को चेंज करने के लिए, या किसी भी इमेज में जो ब्रश की साइज होती है उसके हार्डनेस लेवल उसका होता है उसकी ओपेसिटी होती है उसको चेंज करने के लिए, ठीक है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।